नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण में आपका स्वागत है। अब फाइनल घड़ी आ गई है। ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, ये मंगलवार को किसकी जीत के जश्न में बांटेंगे अब यह पता नहीं है, लेकिन हलवाई इस तैयारी में है कि कल लड्डू बांटेंगे जरूर, इसलिए एक दिन पहले तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल एवं गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच है। अभय चौटाला के वोट व साइलेंट वोटर्स का रुख इस जीत में हार जीत तय करेगा। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में मंगलवार को होने वाली हार जीत की चर्चाएं रही। लोग अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के दावे कर रहे हैं। हमने भी जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार इस सीट पर कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंतिम दिन सट्टा बाजार का रुख भी बदला हुआ नजर आया। जानकारों ने बताया कि चुनाव के तुरंत बाद सट्टा बाजार में गठबंधन प्रत्याशी ऊपर था। इसके बाद 1 व 2 जून तक नवीन जिंदल की जीत का भाव बढ़ा और सट्टा बाजार में उनकी स्थिति मजबूत बताई गई। इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अब 3 जून को दोनों ही प्रत्याशी बराबरी पर ट्रेंड कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता ने किस उम्मीदवार की किस्मत में इन लड्डुओं को जीत के जश्न में बांटना लिखा है। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल, विधायक लीलाराम सहित भाजपा नेताओं की एक बैठक सोमवार को जिंदल हाउस में हुई। वहीं गठबंधन प्रत्याशी ने भी मतगणना केंद्रों के लिए ड्यूटी लगा दी है। हम मंगलवार सुबह 8 बजे से आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए कैथल खबर। नमस्कार, कुरुक्षेत्र के रण में आपका स्वागत है। अब फाइनल घड़ी आ गई है। ये जो लड्डू आप देख रहे हैं, ये मंगलवार को किसकी जीत के जश्न में बांटेंगे अब यह पता नहीं है, लेकिन हलवाई इस तैयारी में है कि कल लड्डू बांटेंगे जरूर, इसलिए एक दिन पहले तैयारियां जारी हैं। आपको बता दें कि इस सीट पर यानी कुरुक्षेत्र लोकसभा पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल एवं गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के बीच है। अभय चौटाला के वोट व साइलेंट वोटर्स का रुख इस जीत में हार जीत तय करेगा। आज पूरे संसदीय क्षेत्र में मंगलवार को होने वाली हार जीत की चर्चाएं रही। लोग अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की जीत के दावे कर रहे हैं। हमने भी जो जानकारी जुटाई है उसके अनुसार इस सीट पर कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अंतिम दिन सट्टा बाजार का रुख भी बदला हुआ नजर आया। जानकारों ने बताया कि चुनाव के तुरंत बाद सट्टा बाजार में गठबंधन प्रत्याशी ऊपर था। इसके बाद 1 व 2 जून तक नवीन जिंदल की जीत का भाव बढ़ा और सट्टा बाजार में उनकी स्थिति मजबूत बताई गई। इस क्षेत्र की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अब 3 जून को दोनों ही प्रत्याशी बराबरी पर ट्रेंड कर रहे हैं। देखना होगा कि जनता ने किस उम्मीदवार की किस्मत में इन लड्डुओं को जीत के जश्न में बांटना लिखा है। फिलहाल दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल, विधायक लीलाराम सहित भाजपा नेताओं की एक बैठक सोमवार को जिंदल हाउस में हुई। वहीं गठबंधन प्रत्याशी ने भी मतगणना केंद्रों के लिए ड्यूटी लगा दी है। हम मंगलवार सुबह 8 बजे से आपको अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए कैथल खबर।